नमस्कार, हल्ला बोल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। कुछ दिनों पहले संबित पात्रा, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, ने टूल किट केस को लेकर कांग्रेस पर हल्ला बोला था और उसे सरकार और पीएम के खिलाफ साजिश बताया था। लेकिन अब शायद ये दांव उल्टा पड़ गया है, क्योंकि ट्विटर ने संबित पात्रा के ट्वीट को तथ्यात्मक रूप से गलत कहा और उसे मैनिपुलेटेड मीडिया कैटेगरी में मार्क कर दिया है। सवाल है कि अगर ट्विटर का एक्शन सही है तो फिर इस टूलकिट की सच्चाई क्या है? आखिर कौन है इस टूलकिट के पीछे? रिपोर्ट देखिए, फिर हमारे साथ डॉक्टर संबित पात्रा खुद जुड़ेंगे। रोहन गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं, वो भी जुड़ रहे हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से। अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, ये रिपोर्ट। चंद दिनों की ही बात है जब कोरोना को लेकर टूलकिट पर बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। सीधा आरोप कांग्रेस और राहुल गांधी पर कि उन्होंने महामारी के नाम पर हिंदुस्तान और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बदनाम करने की कोशिश की है। कांग्रेस पार्टी का एक टूलकिट चल रहा है कि किस प्रकार से ये जो महामारी है, ये जो कोरोना का पैंडेमिक है, उस पैंडेमिक में भी, उस विपत्ति में भी किस प्रकार राजनीति करनी है और किस प्रकार से भ्रम की स्थिति को उत्पन्न करते हुए कांग्रेस पार्टी अपने राजनीतिक मंसूबे को मजबूत करना चाहती है, वह इस टूलकिट से पूरा देश आज कांग्रेस के मंसूबों को, कांग्रेस के इंटेंशंस को, कांग्रेस के जो भ्रम फैलाने की नीति है उसे को एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने एक टूलकिट का हवाला देते हुए कांग्रेस पर आरोप लगाया था कि कोरोना संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि कांग्रेस बिगाड़ने का काम कर रही है। पात्रा ने यह भी लिखा था कि कांग्रेस एक पीआर एक्सरसाइज कर रही है जिसके जरिए कुछ बुद्धिजीवियों की मदद से सरकार के खिलाफ माहौल बनवाया जा रहा है। कांग्रेस की शिकायत के बाद ट्विटर ने अपनी जाँच में पात्रा के ट्वीट को मैनिपुलेटेड मीडिया कैटेगरी में मार्क कर दिया है। झूठे कागज को कांग्रेस का बताकर उसके ऊपर चर्चा की जा रही थी, एक झूठ फैलाया जा रहा था, उसका पर्दाफाश आज हो गया है। आज ट्विटर ने संबित पात्रा के ट्वीट को मैनिपुलेटेड मीडिया का टैग देकर साबित कर दिया कि ये लोग कितना झूठ फैला रहे हैं। साथियों, हमको मिलकर इस प्रकार के जो झूठ है उसका पर्दाफाश करना पड़ेगा। मैं तो भारतीय जनता पार्टी से कहूंगा, गाँव कस्बों में लोग बहुत परेशान है, कोरोना से जूझ रहे हैं, इसलिए आप मेडिकल किट और राशन किट पता लगाइए कहाँ पे है, वो ज्यादा जरूरी है, जिससे लोगों की जानें बच जाएंगी। देश बीमार है, लोगों को मदद मिलेगी इससे। ट्विटर के एक्शन के बाद अब कांग्रेस और विपक्ष को बीजेपी पर धावा बोलने का जबरदस्त मौका मिल गया है। संबित पात्रा के ट्वीट पर एक्शन को लेकर ट्विटर ने कहा है कि वो लगातार निष्पक्ष तरह से काम कर रहा है और किसी भी ट्वीट के कंटेंट के आधार पर जो नियम है उस पर एक्शन लिया गया है। टूलकिट केस को लेकर दिल्ली में कांग्रेस ने संबित पात्रा के खिलाफ संसद मार्ग थाने में शिकायत भी दर्ज कराई है। कहीं ऐसा न हो कि पात्रा की कानूनी मुश्किल भी बढ़ जाए। फिलहाल पहला दौर तो कांग्रेस के हक में दिख रहा है, लेकिन अब बीजेपी भी अपना पक्ष रखने की जरूर तैयारी कर रही होगी, क्योंकि यहाँ मामला सीधे देश की सबसे बड़ी पार्टी की छवि, पार्टी के आरोप और पार्टी के दावे से जुड़ा है। आज तक ब्यूरो। डॉक्टर संबित पात्रा खुद जुड़ गए हमारे साथ, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के रोहन गुप्ता जी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के अनुराग भदौरिया जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए हैं, और माधव आनंद जेडीयू की तरफ से पक्ष रखेंगे। लेकिन एक खबर के साथ हम बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि भारत सरकार ने आपत्ति जताई है। जी हां, आपको ये बता दें कि ट्विटर ने जो संबित पात्रा के ट्वीट पर मैनिपुलेटेड मीडिया लिखा था उसको लेकर मामला अब आगे बढ़ा है। ट्विटर के एक्शन पर सरकार ने आपत्ति जाहिर की है। संबित पात्रा के ट्वीट पर ट्विटर का एक्शन, जिसपे उन्होंने मैनिपुलेटेड बात किया, इस पर सरकार ने अपनी आपत्ति जताई है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि सरकार ने ट्विटर को कहा है इसे वापस लेने को। जांच के बीच ट्विटर के फैसले पर यह आपत्ति सरकार की तरफ से जताई गई है। बड़ी खबर है, सरकार खुद इस पूरे मामले में अब सोशल मीडिया के इन प्लेटफॉर्म्स पर
आपत्ति जाहिर कर रही है, तो फिर क्या माने जब मंत्री ही आपके साथ, सरकार ही आपके साथ संबित पात्रा जी, तो मैनिपुलेटेड वाला ये टैग हट जाएगा। लेकिन सवाल उससे बड़ा है, सवाल उससे बड़ा है कि क्या ये वाकई मैनिपुलेटेड था, यानी किसी न किसी तरीके से आपने उसको मैनिपुलेट करके वहां पर डाला था जिसकी वजह से ये टैग लगा दिया गया आपके ट्वीट पर। डॉक्टर पात्रा, अंजना जी, मैं आपको समझाता हूं पूरी तरह से और देश को भी समझाता हूं। देखिए, पहली बात है, सरकार मेरे साथ नहीं है, सरकार सत्य के साथ है और सत्य के विषय को प्रतिपादित कर रही है। दूसरी बात है, मैं यहाँ पे 5-6 पॉइंट रखूंगा, 50 सेकंड में रखूंगा, आप मुझे समय दीजिएगा। देखिए, ट्विटर एक इन्वेस्टिगेटिव प्लेटफॉर्म नहीं है, ट्विटर एक सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है। ट्विटर इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकती है, इन्वेस्टिगेट भारत की सरकार या उसकी कोई एजेंसी कर सकती है कि ये मैनिपुलेटेड है या नहीं, ये असली है या नहीं, ये नकली है या नहीं, ट्विटर नहीं कर सकती है। ना ट्विटर के पास ये वेयरविथॉल है, उन्होंने मेरा कंप्यूटर नहीं सीज किया है, उन्होंने ना ही रोहन गुप्ता जी या कांग्रेस पार्टी के ट्विटर कंप्यूटर को सीज किया है जानने के लिए कि हमने कोई फोर्जरी की है या नहीं की है। तो ये इन्वेस्टिगेशन नहीं किया है ट्विटर ने, नंबर एक। नंबर दो, हमारे ट्वीट करने से पहले मीडिया चैनलों ने इसे ट्वीट किया था, ये मौजूद था, मतलब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। थर्ड और वेरी इंपॉर्टेंट, ट्विटर का एक लेफ्ट बायस है जो उनके सीईओ ने खुद माना है कि वी हैव अ लेफ्ट बायस एंड आवर आइडियोलॉजी इज लेफ्ट। ठीक है, कांग्रेस पार्टी ने चिट्ठी लिखी, उन्होंने उसे एक मैनिपुलेटेड मीडिया कहा। अब मैं असली मुद्दे पर आता हूं। देखिए, हमने उस दिन 4 पन्ने दिखाए थे जिसमें एक पिक्टोरियल था और 3 पन्ने थे। ट्विटर ने मेरे केवल एक ट्वीट को, मैंने उस दिन 5 ट्वीट किए, उसमें से एक पन्ने के एक पैराग्राफ को मैनिपुलेटेड मीडिया रखा। यही जो पन्ने आप दिखा रहे हैं, जिस पन्ना को आप दिखा रहे हैं, उस पन्ने को लगभग 551 लोगों ने, जिनका की ब्लू टिक मार्क है, वेरीफाइड ट्विटर हैंडल है, उन्होंने भी ट्वीट किया हुआ है, और किसी को मैनिपुलेटेड मीडिया का करार इस पेज पे नहीं दिया। नहीं नहीं नहीं, अर्थात एक सेकंड सर, एक काउंटर क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने निकाल लिया है पूरा मामला। देखिए सर, ऐसा है कि आपके ट्वीट करने के बाद ही लोगों ने उठाकर उसको लिखा ना, या मीडिया चैनल से रिपोर्ट कर रहे थे कि डॉक्टर संबित पात्रा बता रहे हैं कि कांग्रेस ने ये टूल किट यूज किया है। नहीं, उसको आप सेम कैटेगरी में नहीं डाल सकते सर। दूसरा, आप जवाब दीजिएगा, एक साथ दीजिएगा। और डॉक्टर पात्रा, जब ये बाकी पार्टियों वाले को ये मैनिपुलेटेड लिखते हैं, तब तो आप लोग कहते हैं कि सर ट्विटर ने बड़ा अच्छा किया। नहीं, हम कभी नहीं कहते हैं, हम इस प्रकार कभी नहीं कहते हैं। मैं आपको उदाहरण देकर समझाने वाला हूँ इस विषय को, बहुत गंभीरता से। मैंने कहा, मैंने 5 ट्वीट किया, आप निकाल लीजिए। इसके बाद वाला पन्ना जो सबसे महत्वपूर्ण था, जिसमें कि प्रधानमंत्री के नाम को खराब करने का मैंने ट्वीट किया, जिसमें मैंने लिखा कि मोदी स्ट्रेन और इंडियन वेरिएंट नाम के कारण से एक षड्यंत्र रचा जा रहा है, उस पर तो मैनिपुलेटेड मीडिया नहीं आया। उस पर किसी ने नहीं कहा कि ये गलत था। अगर ये ट्विटर की बातों पर भरोसा कर रहे हैं तो पहले उसका खुलासा भी करें। कुंभ वाले विषय को लेकर भी और ईद वाले विषय को लेकर भी मैनिपुलेटेड मीडिया का स्टैंप नहीं लगा, ना ही जिस प्रकार से सेंट्रल विस्ता को लेकर झूठ फैलाया जा रहा था, उस पर भी मैनिपुलेटेड मीडिया का ठप्पा लगा। ये तो आप अभी 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 जब डिबेट चल रहा है, ये आप वेरीफाई कर लीजिए। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि आप देखिए, अगर यही है कि हर कुछ को ये सच है या नहीं, या एलिगेशन ही है सच है, इसको अगर ट्विटर वेरीफाई करने लगे, मैंने कल भी दिखाया था, अभी भी आपने दिखाया, राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में कोविड पैंडेमिक कहा, कोविड को, ये मैनिपुलेटेड है या नहीं? क्या डिजीज का नाम कोविड है, उसको आप कोविड लिखेंगे, तो ये मैनिपुलेटेड है या नहीं? मैं ये ट्विटर से पूछना चाहता हूं, इज दिस नॉट मैनिपुलेटेड? क्या डिजीज का नाम कोविड है, नंबर वन? नंबर टू, राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि जितने भी पीएम केयर फंड से वेंटिलेटर आए देश में, वो सारे के सारे डिसफंक्शनल है और एक स्कैम हो रहा है। क्या ये ट्विटर ने वेरीफाई किया? उसको क्यों नहीं मैनिपुलेटेड मीडिया जवाब दिया? देखिए, ट्विटर जिस प्रकार से देश के स्वतंत्रता में घुस करके अपने आप को स्थापित करने की कोशिश कर रहा है और लेफ्ट लीनिएज रखता है, ये खुद ट्विटर मानती है। मुझे लगता है सरकार ने जवाब मांगा है, मैं इससे अनभिज्ञ हूं, मगर सरकार, आपने अभी दिखाया कि सरकार ने इस पे जवाब मांगा है, ट्विटर जरूर जवाब देगी। लेकिन संबित जी, आप ही की सरकार है, अगर आप लोगों को रोक लगाना है तो रोक ही लगा दीजिए फिर ट्विटर पर। देखिए अंजना जी, ये हमारे और उनके बीच में फर्क है, हमारे और कांग्रेस पार्टी के बीच में यही फर्क है। राहुल गांधी जी रोज उठ के मोदी जी को क्या क्या गाली नहीं देते हैं, कोविड तक लिख दिया, हमने राहुल गांधी के खिलाफ एक FIR कराया पिछले साल में। आज राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि है, पिछले साल एक ट्वीट मैंने किया था कि 84 के दंगों के जनक राजीव गांधी थे, उन्होंने कहा था बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, इस पे छत्तीसगढ़ पे मेरे नाम पे उन्होंने, कांग्रेस वालों ने, NSUI वालों ने एक FIR कराया। सर, कांग्रेस पे बाद में बात करेंगे, ठीक है सर, कांग्रेस पे बाद में, एक बार मैं तो ट्विटर पे पूछ रही हूँ सर, ट्विटर की ताकत आप लोग समझ रहे हैं ना।
ट्विटर की ताकत आज इतनी है ना मैं, कि आप भी आपकी सब... सरकार भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, उनको लगा वो मैनिपुलेटेड है, ऐसा वो कई लोगों के वीडियोस पर लिखते हैं, किसी को किसी देखिए हम इस प्रकार बदले की भाव की राजनीति के साथ काम नहीं करते। किसी को बैन कर देना, किसी के खिलाफ FIR कर देना, किसी को प्रताड़ित करना, बिल्कुल नहीं। हम टेक्निकली जाते हैं, टेक्निकली सरकार ने अगर अभी ये आपत्ति जताई है जो आप न्यूज में दिखा रहे हैं, हम लोग पार्टी में हैं, सरकार में नहीं है, इसलिए सरकार का विषय सरकार जानती है, हम नहीं जानते हैं। मगर अगर सरकार ने इस प्रकार की कोई चिट्ठी लिखी है तो बिल्कुल सही बात है, सरकार का ये एक तजुर्बा है, सरकार का ये अधिकार है कि वो विषयों को बातचीत के माध्यम से, टेक्निकलिटी के माध्यम से पूछ सकती है। हर विषय को बैन कर देना उसे, संबित जी किरकिरी तो हो गई बहुत ज्यादा। किस बात की किरकिरी हो गई? जिस आदमी ने मोविड लिखा, हमने यही कहा था ना मोदी जी के नाम को बदनाम करने के लिए, जो बार बार ये ट्वीट कर रहे हैं कि ये इंडियन वेरियंट है, जो कह रहे हैं कि इंडियन कोरोना वायरस गोज टू स्विट्जरलैंड, उनको किरकिरी नहीं हो रही? किरकिरी हमें होगी सत्य बताने के लिए। अंजना जी, मैं यहाँ भारत की जनता और भाजपा के तमाम कार्यकर्ताओं को बताना, सुनिए लेफ्ट बायस है, लेकिन लेफ्ट बायस है या प्रो कांग्रेस बायस है, मैं समझ नहीं पा रही हूँ, क्योंकि लेफ्ट को देखिए हाँ, मैं इसको समझा देता हूँ। आप तो कह रहे हैं कि वो राहुल गांधी को फेवर करते हैं, लेफ्ट बायस राहुल गांधी के लिए नहीं हो सकता ना? सुनिए, जो कॉम्बिनेशन होता है लेफ्ट कांग्रेस इस्लामिस्ट, ये कॉम्बिनेशन है। सरजिल उस्मानी, उदाहरण दे रहा हूँ, आज से एक हफ्ते पहले सरजिल उस्मानी, जो बड़ा खास है ये जो तथाकथित इंटेलेक्चुअल गैंग का, सरजिल उस्मानी ने ट्वीट किया कि सारे हिंदू जो जय श्री राम बोलते हैं वो आतंकवादी है। कंप्लेंट गई, BCO कंप्लेंट ट्विटर के पास गया कि आप इनके अकाउंट को सस्पेंड करिए, आप इस ट्वीट को आप मार्क करिए। किया ट्विटर ने? ट्विटर ने नहीं किया। ट्विटर तो वह है जिसने ब्राह्मिनिकल पैट्रियार्की ट्वीट किया था कि ब्राह्मीण जो भारत में है वो पैट्रियार्की है, ब्राह्मीण धर्म के खिलाफ तक ट्विटर ने ट्वीट कर दिया। तो ये ट्विटर तो कंप्लीटली लेफ्ट कांग्रेस इस्लामिस्ट बायस के साथ काम करती है, ये हर कोई जानता है। एंटी राइट है, प्रो लेफ्ट है। मैंने सवाल पूछा सर, प्रो कांग्रेस कैसे हो गया? आप तो मेरी ही बात को सपोर्ट कर रहे हैं कि वो प्रो लेफ्ट है। नहीं नहीं, मैं बता रहा हूँ, पूछूं कि प्रो राहुल गांधी कैसे हो गए, इसके बाद मैं आ रही हूँ आप लोगों के पास। जी नहीं, मैं आपको समझा देता हूँ, मैंने आपको एक एक्सिस समझा, एक एक्सिस होता है, जैसे कि लेफ्ट अगर गाय है तो बछड़ा कांग्रेस है, याद रखिए इस बात को। लेफ्ट एक आइडियोलॉजी है एंड बछड़ा कांग्रेस पार्टी है, अर्थात आइडियोलॉजी जो है उसको फॉलो करती है, सोशलिस्ट लेफ्टिज्म को फॉलो करती है कांग्रेस पार्टी, तो कांग्रेस की आइडियोलॉजी भी लेफ्ट की आइडियोलॉजी है। जवाब दीजिए रोहन गुप्ता जी, बता रहे कि बछड़ा है आप लोग अगर गाय है लेफ्ट तो। और सवाल यह है कि सवाल यह है कि कोरोना को बहाना बनाकर सीधे प्रधानमंत्री पर हमले की बात हम लोगों ने पिछले एपिसोड में भी किया था, यही चर्चा है, उसी चर्चा का आज एक्सटेंशन है। जब आपने मोविड लिख दिया था कोविड को, आपको आप राहुल गांधी, पहले तो आपको धन्यवाद कि ये जो यहाँ पे भाजपा के प्रवक्ता जो है जिस हिसाब से आज आपको एक्सपोज किया है, बात को कितना घुमाया। कल ही आपके साथ डिबेट में थे, बीच में मत बोली। मैं एक शब्द नहीं बोला, मैं अंजना जी प्लीज इनको बोलिए, आप चुप रहेंगे, मैं जवाब दूंगी। लेकिन बस रोहन जी, आपका माइक ठीक से लगा है कि आवाज थोड़ी दबी हुई आ रही है? माइक ठीक से है? माइक देख लीजिए, माइक ठीक जगह होना चाहिए। बोलिए। चल ठीक, अंजना जी पहले आपको धन्यवाद कि जिस प्रकार से आपने डॉक्टर साहब को जो एक्सपोज किया। कल मैं आपके साथ डिबेट में था, पहले मैंने वही कागज दिखाया और आपके सामने कहा कि अगर ये कागज सही है तो यार डॉक्टर साहब बोल दे कि हम मैं राजनीति छोड़ दूंगा या मैं छोड़ दूंगा। कल ही अपनी मुंडी हिला रहे थे कि नहीं 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 ये नहीं है। उसके बाद उन्होंने आज जब ये मैन्युपुलेटर, अरे सुने सुने सुने, बीच में मत बोले, मुझे मत बोले ना, होगा होगा सब होगा, डर दर्द आज बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि इतनी किरकिरी होने के बाद रोहन जी, तो ट्विटर को आप लोग, एक सेकंड प्लीज संबित जी बीच में नहीं, आप एक सेकंड संबित जी, तो जज ज्यूरी एंड एग्जीक्यूशनर सब आपके लिए ट्विटर है, ट्विटर बाबा की जय है अब कांग्रेस पार्टी में, कांग्रेस मुख्यालय, कांग्रेस ने लिख दिया तो मामला सॉल्व हो गया। आप भी गाली देते हैं सर कि सारे वहां पर ट्रोल करते हैं। सुनिए, ऐसा है जना जी, बात यहाँ पे क्या हुई कि एक आदमी ने जो आधिकारिक पार्टी के ऑफिस जो स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने कांग्रेस के लेटर हेड पे कांग्रेस के सिंबल के साथ में फोर्स डॉक्यूमेंट को ट्वीट किया। मुद्दा यहाँ पे ये जो ये दूसरी सब बात कर रहे हैं, मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ, उसी के सामने ट्विटर ने तहकीकात की। और इनको मैं बता दूं कि जो भी प्लेटफॉर्म है, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म हो, सबकी फैक्ट चेक की इंटरनल सिस्टम होती है। जब वो लोग ये, उनको मालूम है
कि भारत में सरकार का प्रेशर आएगा, उसके बाद भी अगर उन्होंने मैनिपुलेटेड मीडिया का टैग लगाया, इसका मतलब समझिए कि प्लेटफॉर्म 100% श्योर है कि ये झूठ है। और मैं कल भी ये चीज बोला, हमने लीगल कंप्लेंट भी फाइल किए। मुद्दा यहाँ पे वो नहीं है अंजना जी, और इनके पीछे और 18 लोगों के नीचे भी मैनिपुलेटेड मीडिया लगा दिया। एजेंसीज बंद कर देते हैं देश में, ट्विटर ही बताएगा कौन से दस्तावेज फर्जी हैं, कौन से सही हैं। वो अपने प्लेटफॉर्म पे बताएगा, ट्विटर ने अपने प्लेटफॉर्म पे कहा है, ट्विटर ने स्टेटमेंट इश्यू नहीं किया है, ट्विटर ने अपने प्लेटफॉर्म पे लिखा है कि अकॉर्डिंग टू देम ये मैनिपुलेटेड मीडिया है, उन्होंने पब्लिक स्टेटमेंट नहीं किया है। नंबर वन। नंबर टू, ये जो डॉक्टर साहब बात कर रहे थे, टोटल 4 पेज को इन्होंने मैनिपुलेट किया है, बीएल संतोष ने भी किया, इन्होंने भी किया, और आज जब पकड़े गए अब ट्विटर पे सवाल चालू हो गए। अरे भैया ट्विटर प्लेटफॉर्म है, उनकी इतनी बड़ी फैक्ट चेक की टीम है, अब जो पूरा रिप्रेजेंटेशन देश के सामने हुआ है, और हमारे ही लेटर हेड पे झूठ फैलाएंगे और हम लोग चुप बैठेंगे? आज दूध का दूध पानी का पानी जरूर होगा, कल तो ये बोल रहे थे कि ये सही है, आज इनकी बातें और कहीं पे चली गई। जवाब दीजिए रोहन जी, अभी दो लाइन और बोलना चाह रहे हैं, ठीक है पूरा कर लेने दीजिए रोहन जी, रोहन जी पूरा। अंजना जी, इसके पीछे ये पूरा जो षड्यंत्र ये बहुत बड़ा है, यहाँ पे हम लोग सिर्फ टूल किट की जो बात कर रहे हैं, ये जिस प्रकार से ये बेशर्मी से ये लोग आज काम कर रहे हैं कि जो सरकार की जिम्मेदारी उससे दूर भागने के लिए झूठ फैलाएंगे। कितने भी टूल कर लोगे, देश को फूल नहीं बना सकते हो आप लोग, देश समझ चुका है, कितना झूठ बोलोगे आप लोग, अपनी जिम्मेदारी से कब तक भागोगे आप? हर चीज को फैला के आज इतने एक प्लेटफॉर्म ने आपको कर दिया, आपको माफी मांगनी चाहिए थी। मैं तो खुश हुआ कि आज माफी मांगने के लिए आज आए होंगे आप आज तक पे, पर आप और एक स्टेप आगे चले गए, शर्म आनी चाहिए आपको, माफी मांगिए आप डॉक्टर साहब झूठ बोलने के लिए देश के सामने, इतना झूठ मत फैलाइए और ऊपर वाले से डरिए, ऊपर वाले से डरिए, थोड़ा झूठ बोलते हुए सुनिए ध्यान से, ये तरीका है आपका, आप सभी से मैं निवेदन करना चाहती हूँ, एक सेकंड सबकी आवाज नीची कीजिए प्लीज, हम एक दूसरे से बात करें। ऐसे ही एक शो में दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से बहुत ज्यादा गुस्सा क्रोध हमने देखा था कि उसके बाद से क्या परिस्थितियां बनी थी एक प्रवक्ता के साथ। प्लीज आप लोग संयमित भाषा में एक दूसरे से सवाल जवाब कीजिए, पर इतना ज्यादा गुस्से का और उसका इजहार मत कीजिए। आपने सवाल बहुत लाजमी पूछा है डॉक्टर संबित पात्रा, अब इस सवाल का आप जवाब दीजिए, इसके बाद भदौरिया साहब मैं आपके पास आऊंगी। संबित पात्रा जी जवाब दीजिए, सवाल यह है कि जो ये मैनिपुलेटेड वाला है, उस दिन भी वो लगातार दिखा रहे थे कि आपने 2 पेजेस ऐड किए थे, ये उनका उस दिन से कंटेंशन था, और आज क्या वही बात सामने आ रही है जब ट्विटर आपको मैनिपुलेटेड मीडिया कहता है? उसके बाद मैं फौरन आऊंगी भदौरिया साहब और माधव जी। देखिए पहले तो मैनिपुलेटेड मीडिया, इन्होंने अभी जो अपना वक्तव्य रखा कांग्रेस के प्रवक्ता ने, उन्होंने कहा कि हमने फोर्ज किया, लेटर हेड बनाया, आप मुझे ट्विटर का अभी बैठे बैठे, हमारा 1 घंटे का डिबेट होने वाला है, आप मुझे ट्विटर के स्टेटमेंट को दिखाइए कहां मैनिपुलेटेड मीडिया में लिखा हुआ है कि फोर्ज किया, और ट्विटर को कैसे मालूम फोर्ज कर लिया? ट्विटर ने मेरे लैपटॉप देखा, ट्विटर ने मेरे कंप्यूटर को देखा, ट्विटर ने मेरे मोबाइल को देखा, किसने फोर्ज किया, किसने किया, कब किया, किस समय किया, किस प्लेटफॉर्म पे किया, ये ट्विटर कैसे निर्णय ले सकती है? नहीं ले सकती। इसलिए ये फोर्ज करने के विषय पे तो ट्विटर ने कोई कमेंट नहीं किया। किस तरह से मैनिपुलेटेड है इस पर ट्विटर को ही कमेंट करना है, ये एक आर्बिट्ररीली गिवन आउट स्टेटमेंट है कि क्यों मैनिपुलेटेड है, जबकि 551 और लोगों ने उसी पेज को ट्वीट किया है और वो मैनिपुलेटेड स्टैंप में नहीं लगता है, और उनमें से कुछ ऐसे भी लोग हैं जो मेरे से पहले ट्वीट कर चुके थे। दूसरी बात मैं यहां कहना चाहूंगा, 4 पेज 2 पेज 3 पेज की बात बोली, मैंने आपको अभी कहा कि जब मेरी डिबेट चल रही है, आप अपने PCR से कहिए, आर्काइव से कहिए कि मेरे तमाम ट्वीट निकाल ले, 5 ट्वीट उस दिन के निकाल ले, जिस ट्वीट में प्रधानमंत्री के नाम को बदनाम करने की बात की गई थी उसको तो मैनिपुलेटिव नहीं कहा, ये एक्सेप्ट कर लेंगे? अगर ट्विटर को ये इतना सैक्रोसैंक्ट मानते हैं कि ट्विटर ने कह दिया तो सब कुछ ही सही है, तो उस पेज को तो सही मान लेना चाहिए, क्योंकि ट्विटर ने उसमें तो कोई टैग नहीं किया है कि ये मैनिपुलेटिव मीडिया है। क्यों कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय, आप मान लेंगे कि आप लोगों ने जिस प्रकार से इंडियन स्ट्रेन और मोदी स्ट्रेन कहकर मोदी जी को बदनाम करने की कोशिश की, वह पेज तो एक स्टैंड एज इट इज, उसमें किसी प्रकार का टैग नहीं हुआ। एक बार भदौरिया जी को मालूम नहीं है, अरे अरे मैं भदौरिया साहब, ये जो झूठ फैला रहे हैं जस्टिस ट्विटर की जय, या फिर आप मानते हैं कि अभी जांच होनी चाहिए पूरी तरह से? देखिए मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी, चूंकि देश में इतनी बड़ी समस्या कोरोना की है जिससे लोगों की मौतें हो रही हैं, उससे ध्यान भटकाने के लिए दुनिया भर की किट खोज रही है। लेकिन पात्रा जी थोड़ी सी शर्म करो, मेडिकल किट भी खोज लो कहीं से जुगाड़ लगा के, राशन की किट भी खोज लो, फाइनेंशियल किट भी खोज लीजिए कहीं से, और ब्लैक फंगस की किट भी खोज लीजिए, बच्चे ऑनलाइन एजुकेशन ले रहे हैं उनके लिए भी किट खोज लीजिए,
वो किट आप नहीं खोज पाते हो, खोजने में आपको दिक्कत होगी, क्योंकि उससे जनता का भला होगा, जिससे जनता का भला होगा वो किट आप नहीं खोजोगे, जिससे आपका राजनीतिक भला होगा वो किट खोज लेते हो, तो थोड़ी सी शर्म करो। और ऊपर से नहीं, राजनीतिक भला के लिए किट खोजते हो, जनता के भला के लिए किट नहीं खोजते हो। वहां पे लाशें हैं, नदी में तैर रही हैं और नदी के किनारे उनको जानवर नोच रहे हैं, वो भी किट कहीं से खोज के लाओ ना, उसकी भी जिम्मेदारी तय करो ना, किसकी वजह से वो लाशें वहां पे तैर रही है, किसकी वजह से लाशों को, हमारे अपनों के लोग हैं वो जिनके जिनको जानवर नोच रहे हैं। आज प्रधानमंत्री जी योगी जी की तारीफ कर रहे थे, एक बार प्रधानमंत्री जी कह देते योगी जी आपकी नाकामी की वजह से, आपके गलत फैसले की वजह से पंचायती चुनाव हुए और गांव गांव में कोरोना पहुंचा, लोग वहां मौत को लोगों की वहां मौतें हो रही है, और आप हवाई दौड़ा, हवाई बातें, हवाई में समस्या का समाधान, फिर हवा में उड़ जाते हो, फिर सारी हवा हवाई, ऊपर से फिर जाके हाईकोर्ट में कहना पड़ता है कि गांव और कस्बों में वहां पे राम 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 भरोसे छोड़ दिया है। तो कम से कम प्रभु आप अभी तीन बातें कह रहे थे और मुझे हंसी आ रही थी, और हम कह रहे पूरा आपके व्यूअर हंस रहे होंगे, आपने बोला सत्य, दूसरा बोला FIR, तीसरा बोला मेहनत, अरे सत्य सत्य तो आपके मुंह से निकलता ही नहीं है प्रभु, अगर सत्य निकलता होता तो देश को सच बताते, आप तो मौत के आंकड़ों में कलाबाजी करते हो, उसमें झूठ बोलते हो, और FIR तो आपके यहाँ तो FIR एक डिपार्टमेंट मुझे लगता है खोल दिया बीजेपी ने, जैसे ही कोई विपक्ष कोई काम करता है कि FIR कर देते हो, FIR तो आप झूठी FIR के लिए तो आप जाने जाते हो प्रभु, झूठी FIR करने का अगर आप देखना तो बीजेपी की जहाँ जहाँ सरकार है वहाँ चले जाए, झूठी FIR का पुलंदा हुआ, इसलिए आप ऐसा बोलने के पहले सोचा करो, आप सोचा करो कि आप बोल क्या रहे हो, इतने बेचैन मत होइए, अभी तो इतने बेचैन मत होइए, सच सुनने के लिए थोड़ा मादा रखिए, क्योंकि आप सच सुनना नहीं चाहते हो, और आप अगर सच सुनने की हिम्मत रखते हो तो सच बोलने की हिम्मत रखिए, मीडिया आपको देख रहा है, व्यूअर देख रहा है कि आपकी नाकामी की वजह से, आपकी गलती की वजह से, आपकी गलत पॉलिसी की वजह से कोरोना गांव गांव पहुंचा, कोरोना से लोगों की मौतें हो रही है, तो आप जिम्मेदारी मानिए कि हमसे गलती हुई है, कि हमने विधानसभा चुनाव में लाखों की भीड़ इकट्ठा कर रहे थे, हम पंचायती चुनाव कराते यहाँ पे कोरोना गांव गांव लोग घर तक पहुंचा, आज एक एक गाँव में 12-12, 14-14 लोगों की मौतें हो रही है, कौन है जिम्मेदार? कोवैक्सीन ले लिया आप लोगों ने, कोवैक्सीन या जो भी कोविशील्ड वैक्सीन लिया कि नहीं? पहले आप लोग बीजेपी का वैक्सीन बता रहे थे, बीजेपी का वैक्सीन बता रहे थे, लिया कि नहीं लिया? बीजेपी देखिए, बीजेपी इतनी इंटेलिजेंट नहीं है जो वैक्सीन बना लेगी, ये सब झूठे जुमलेबाज लोग वैक्सीन बना सकते हैं क्या? वो वैज्ञानिकों की वैक्सीन है, लिया कि नहीं लिया? खुश होते हैं कि मैं, अरे वैक्सीन तो लेंगे, वैज्ञानिक वैक्सीन कौन नहीं लेगा, सब लेंगे, वैज्ञानिकों की वैक्सीन सभी लेंगे, लेकिन जुमलेबाजों की वैक्सीन कोई नहीं लेगा, क्योंकि जुमलेबाज ने इनका भ्रष्टाचार है, ये झूठे जी, मैं आपसे जवाब लूंगा, एक बार माधव जी भी बोल ले, ये वैक्सीन बना सकते हैं क्या जो झूठ बोलने वाले लोग हैं? ये तो एक ड्राफ्ट नहीं कर सकते, लोगों की मदद नहीं कर सकते, हो गया, दूसरे को बोलने का मौका दीजिए, आपने अपनी बात को कंप्लीट कर लिया, मैंने सबकी बात अंजना जी, मैंने सबकी बात को सुना, ट्विटर कोई इन्वेस्टिगेशन एजेंसी नहीं है, ना आईबी है, ना रॉ है, ना सीबीआई है, ट्विटर ने अपना पक्ष रखा है, टूलकिट एक इन्वेस्टिगेशन का विषय है, भारत सरकार भी इन्वेस्टिगेशन करा रही है, कोर्ट में भी मैटर चल रहा है, लेकिन एक बात तो प्राइमा फेसी आप भी इस चीज को जानती है कि कांग्रेस या तमाम अन्य विपक्षी पार्टियां प्रधानमंत्री जी के लिए जो शब्द यूज करते हैं, अनपार्लियामेंट्री वर्ड, इंडिया के अगेंस्ट में जो ये लोग काम कर रहे हैं, इंडियन स्ट्रेन कहना, मोदी स्ट्रेन कहना, प्रधानमंत्री के लिए क्या क्या अनपार्लियामेंट्री वर्ड यूज करते हैं, क्या ये किसी भी देश के नागरिक को शोभा देता है क्या? इस बात में तो कुछ सत्यता है? लगातार कांग्रेस जिस तरह प्रधानमंत्री के नाम, प्रधानमंत्री का नाम यूज करके प्रधानमंत्री पद की एक गरिमा होती है, उस गरिमा प्रधानमंत्री चाहे कांग्रेस का हो चाहे बीजेपी का हो, वो प्रधानमंत्री पूरे देश के लिए, लेकिन प्रधानमंत्री के लिए जिन शब्दों का प्रयोग विपक्षी पार्टियां कर रही है, आप अनुमान लगाइए कि कहां मेरा देश जा रहा है। क्या ये कांग्रेस इससे नकार सकती है? आप हो सकता है राजनीतिक विरोध हो सकता है, मैं मानता हूं विचारधारा की लड़ाई है, संबित जी की अलग विचारधारा हो सकती है, उनकी अलग विचारधारा हो सकती है, लेकिन ये कहना कि ये जो टीका है आरएसएस का टीका है, बीजेपी का टीका है, इसको नहीं लेना है, अरे आज टीकाकरण अगर सबसे आरंभ प्रधानमंत्री जी ने तो दिया ना, तमाम राजनीतिक प्रतिद्वंद्वों से ऊपर उठ के सभी जहां बीजेपी की सरकार नहीं है, मैं तो हम लोग तो बिहार में एनडीए की सरकार है, हम लोग कोई शिकायत नहीं कर रहे प्रधानमंत्री जी से, प्रधानमंत्री जी ने हर स्टेट को मदद देने का काम किया है जितना संभव हो सकता है, बिना पार्शियलिटी किए हुए, बिना पक्षपात दिए हुए, इसीलिए कांग्रेस ने टूलकिट का इन्वेस्टिगेशन का विषय है, लेकिन टूलकिट में जो कुछ लिखा हुआ तो कांग्रेस कर रही है, विपक्षी पार्टियां कर रही है, और अनुराग जी का तो आप लैंग्वेज सुनिए, उनका फ्रस्ट्रेशन दिखाई पड़ रहा है कि ये लोग किस तरह के बेसलेस बातें कर रहे हैं, इन लोग के पास कोई मुद्दा नहीं है, देश आगे बढ़ रहा है, हम लोग कोरोना मुक्त भारत की कल्पना की है, कोरोना मुक्त भारत बना के रहेंगे, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को जवाब दीजिए, कोरोना मुक्त भारत बना के रहेंगे। साथ ही जिस तरफ मैं इस बहस को अब ले जाना चाहती हूँ वो ये कि प्रधानमंत्री और बीजेपी की छवि जरूरी है या कोरोना की स्थिति भयावह है, आपकी नजर किधर है, आपकी सरकार की नजर किधर है?
देखिए अंजना जी, अभी मैं सुन रहा था कुछ प्रवक्ता कह रहे थे कि ये डाइवर्ट करने की कोशिश है, सरकार डाइवर्ट करना चाहती है अटेंशन। मैं तो उन्हीं प्रवक्ता से और खास करके समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से कहना चाहूंगा, आप चाहते हैं मेडिसिन की किट बने, आप बाकी चीज चाहते हैं, आपको इस डिबेट में पार्टिसिपेट ही नहीं करना चाहिए। जो डिबेट अटेंशन डाइवर्ट कर लेता है, जो विषय आपका नहीं है, आप उसमें क्यों पार्टी से आपको जबरदस्ती तो उठाते गेस्ट कोऑर्डिनेटर लाए नहीं, ये तो फिर शुरू हो जाएगा। एक साथ आवाज नहीं जाती है, फिर मैं लूंगी आपके पास आऊंगी। हाँ देखिए, कोई डाइवर्ट करने की कोशिश नहीं कर रहा है, डिबेट हो रहा है तो हम लोग पार्टिसिपेट करने आ रहे हैं, लोगों को बुलाया जा रहा है, किसी को जबरदस्ती अपहरण करके यहाँ नहीं आया है। दूसरी बात है छवि। देखिए मैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहता हूँ, क्या होता है छवि जब हमारे लोगों को परेशानी होगी, किसी कोई छवि के बारे में सोचता है? बिल्कुल नहीं, कोई छवि के बारे में नहीं सोचता है। मगर हाँ, देश का छवि महत्वपूर्ण होता है, और देश में अगर भ्रम फैलाया जाए, देश में अगर एक पैनिक का सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश की जाए, अगर कोविड को मोविड कहा जाए, अगर इंडियन स्ट्रेन को, मतलब आप इंडियन स्ट्रेन कह के आप एक साइंटिफिक नाम को बदनाम करने की कोशिश करें, एक देश को बदनाम करें, सिंगापुर के नाम को घसीट के लाए, तो क्या हम लोग चुप बैठेंगे, कुछ कहेंगे नहीं इस पे? आप अगर कुंभ और ईद के बीच में डिफ्रेंसिएशन करेंगे, और आप बताइए किसान आंदोलन को लेकर कल बाजवा जो मिनिस्टर है पंजाब के, उन्होंने खुद कहा है कि सुपर स्प्रेडर है किसान आंदोलन, मगर उसको लेकर चुप? कुंभ लगातार कांग्रेस पार्टी ने किया कि नहीं? आप अंजना जी, आप एक देश की बड़ी एंकर है, मैं एक सवाल छोड़ जा रहा हूं सबके लिए, आप बताइए, भूल जाइए ट्विटर क्या कर रहा है और भारत सरकार भी क्या करेगी, दोनों को भूल जाइए। हम यहाँ पांच लोग बैठे हैं, आप क्या खोल के देख लीजिए ट्विटर में किस प्रकार का दुष्प्रचार हो रहा है, सारे वेंटिलेटर खराब है, जो पीएम केयर्स के माध्यम से भेजे गए सारे खराब है, राहुल गांधी ने ट्वीट किया, ये डिजीज का नाम कोविड का मोविड बना दिया। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। रोहन जी इसी बात के जवाब आप दीजिएगा ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे। सवाल ये है कि वो उनका ये आरोप है कि विपक्षी पार्टियां जानबूझकर ऐसे वक्त पर पैनिक यानी अफरा तफरी और भय लोगों में फैला रही हैं, और सोशल मीडिया का इस्तेमाल लोगों में डर और गलत जानकारी फैलाने के लिए किया जा रहा है। विपक्ष भ्रमित कर रहा है। टूलकिट के मुद्दे पर आज आप ये बहस देख रहे हैं। सवाल ये है कि कोविड की जो परिस्थितियां देश में है, देश में हर वो मरीज और उनके परिवार वाले एक अलग जंग इस वक्त लड़ रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच जो ये बहस आप देख रहे हैं वो दरअसल एक टूलकिट के मुद्दे पर है। लेकिन सवाल है कि क्या वाकई रोहन गुप्ता जी, विपक्षी पार्टियां जो सरकार का, जो बीजेपी का आरोप है, भ्रम फैला रही है ऐसे वक्त पर? उन्होंने सीधा जिक्र किया कि प्रधानमंत्री के पीएम केयर्स फंड से जितने भी कॉन्सेंट्रेटर्स या दिए जा रहे वेंटिलेटर्स वो खराब है, इस तरह का भ्रम और गलत जानकारी फैलाई जा रही है, लोगों में डर और भय फैलाया जा रहा है ऐसे वक्त पर, आपका जवाब? अंजना जी, देश में दो रोज 4000 से ज्यादा लोग मर रहे हैं, क्या ये विपक्ष ने फैलाया हुआ भ्रम है? हम लोग देख रहे हैं कि लोग ऑक्सीजन के बिना तड़प तड़प के मर रहे हैं, पूरे देश ने देखा है, क्या ये विपक्ष ने भ्रम फैलाया है? दवाइयों के बिना लोग बिलकते हुए मर गए, क्या ये विपक्ष ने भ्रम फैलाया है? स्मशान के बाहर की लंबी लाइनें देखी है पूरे देश ने, क्या विपक्ष ने भ्रम फैलाया है? ऑक्सीजन बेड वेंटिलेटर के लिए भागते हुए लोगों को देखा, क्या विपक्ष ने भ्रम फैलाया है? देखिए यहाँ पे अंजना जी, ये डिबेट करते हुए मुझे दुख इसलिए हो रहा है कि यहाँ पे जिम्मेदारी से सरकार एक बार कहती कि हाँ हम लोग इसको भापने में गलत हो गए और हमारी गलती हो गई, पूरा देश साथ में खड़ा रहता। आज जब हकीकत देश के सामने है, चार लाख से ज्यादा केस हो रहे हैं, 4000 से ज्यादा लोग मरे, तब विपक्ष के सामने आक्षेप करना पूरे देश की जनता जानती है। और यहाँ पे मुद्दा एक व्यक्ति की बात का नहीं है, यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी की बात का नहीं है, पूरे देश की जनता की बात का है। मैं यहाँ पे जनता के लिए बैठा हूँ, किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं बैठा हूँ। यहाँ पे जब 4000 से ज्यादा लोग मरेंगे तो सवाल पूछे जाएंगे और इनको जवाब देना पड़ेगा। ऑक्सीजन एक्सपोर्ट करने वाले देश में अगर ऑक्सीजन की किल्लत से लोग मरेंगे तो सरकार को जवाब देना पड़ेगा। रेमडेसिविर की किल्लत से अगर लोग मरेंगे तो सरकार को जवाब देना पड़ेगा। वेंटिलेटर खराब होने से लोग मरेंगे तो सरकार को जवाब देना पड़ेगा। और ये लोग क्या कर रहे हैं? टूलकिट, ये मुझे दर्द होता है ना जी, ये डिबेट ही नहीं होनी चाहिए, इनको रोज आंसर देना चाहिए कि कैसे देश को सेकंड वेव से बचाएंगे, कैसे थर्ड वेव से बचाएंगे। क्या विपक्ष के आक्षेप करने से आपके पास धुल जाएंगे? नहीं धुलेंगे। गंगा में तैरती हर लाश आपकी विफलता की, आपकी सिस्टम की विफलता की गवाह बन के पूरे देश के सामने करें। आपने देश का दिल तोड़ा है और आपको बोलिए, मुझे 30 सेकंड दीजिए। अंजना जी, मैं बिल्कुल ये पॉलिटिकली डिबेट करना नहीं चाहता हूँ, दर्द होता है। मेरे भी परिवार के 10 सदस्य कोविड से अभी बाहर निकले, आप भी इसमें से निकले, जो आदमी इसमें जाता है उसको मालूम चलता है कि क्या होता है। परिवार के सदस्य को मरता हुआ देख के कभी किसी को फोन किया? कल मैंने, वो आदमी की वाइफ ने बोला कि सर वो अभी नहीं है,
बहुत दर्द हुआ अंजना जी, ये सरकार की जिम्मेदारी कहीं तो सरकार को लेनी पड़ेगी। मैं मानता हूं गलती हो गई उनसे, पर गलती को ईमानदारी से मानने में क्या सरकार छोटी आ जाएगी? नहीं, इनका अहंकार उससे बढ़ा है, देश की जनता से अहंकार बढ़ा है। हम कुछ भी करेंगे, देश की जनता ऐसा नहीं हो सकता ना सर, सरकार में आप रहे तब भी इस्तीफा कोई और दे, तब भी जवाबदेही किसी और की हो, ऐसा नहीं हो सकता ना अंजना। अकाउंटेबिलिटी मैं हर डिबेट में कह रहा हूँ, हर डिबेट में कह रहा हूँ, लोकतंत्र में सुझाव देना, प्रश्न पूछना बिल्कुल आवश्यक है, मगर तंज कसना और विरोधाभास विषयों को सामने रखना, भ्रामक चीजों को सामने रखना, इस पे फर्क है। आप देखिए, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। जिस प्रकार से राहुल गांधी जी ने पहले वेव में लॉकडाउन को तुगलकी कहा, तुगलकी कोई पिछले साल नहीं कहा, आज से दो महीने पहले ही लॉकडाउन को तुगलकी कहा। देखिए अंजना जी, मैंने राहुल गांधी जी और सब कर लेंगे, मुझे बताइए कि इतने लोग क्यों मर रहे हैं और कैसे रोकेंगे? इसके बीच रोहन जी, रोहन जी, देखिए रोहन जी, रोहन जी, देखिए ये सही नहीं है। अगर आप चाह रहे थे, मैंने उनको बोला, उन्होंने आपकी बात सुनी, प्लीज एक साथ मत, बिल्कुल प्लीज, मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, सवाल का जवाब दो। मैंने इनके बीच में कुछ नहीं बोला और मैं सवाल जवाब से इनको सुना, आप शांति से मुझे सुन लिया जाए। देखिए, जो भी टूलकिट के विषय में हमने सुनी, मैंने टूलकिट को लेके कह दिया इनको, इन्होंने अभी कहा कि मुझे बहुत इमोशनल लग रहा है कि मैं टूलकिट के बारे में डिबेट कर रहा हूँ, मुझे मन नहीं था आने के लिए। मुझे नहीं पता इनका अपहरण करके इस डिबेट में लाया गया कि नहीं, इनको अगर मन नहीं था, ये इमोशनल थे, किसी ने बीच में। देखिए अंजना जी, इनको कोई घींच के यहाँ नहीं लाया है, ये खुद आए हैं डिबेट करने के लिए। और मैं कह रहा हूं कि किस प्रकार से जो जो बातें उन टूलकिट में लिखी हुई थी वो सारी बातें हुई हैं। मैं तो प्रत्यक्ष को प्रमाण क्यों आवश्यकता है, प्रत्यक्ष आप देख लीजिए, विरोधाभास फैलाया गया है, लॉकडाउन तुगलकी था, मोदी जी लॉकडाउन क्यों नहीं लगा रहे हैं, वैक्सीन को लेकर इनके तमाम लोगों ने जिस प्रकार की बयानबाजी की, वैक्सीन की एफिकेसी नहीं, हम वैक्सीन नहीं लगाएंगे, यहां तक कि राहुल गांधी इत्यादि ने अभी तक वैक्सीन ही नहीं लगाई। आप सोचिए, वैक्सीन हेजिटेंसी में इन सबका एक बहुत बड़ा हाथ रहा। तीसरी बात है, आप देखिए, ये बार बार कह रहे हैं कि इन राज्यों में डेथ हुई, बिल्कुल हुई है, मैं बोल रहा हूं हर राज्य आज कष्ट से गुजर रहा है। आप बहुत कन्वीनियंटली अपने राज्यों को क्यों छोड़ देते हैं, मैं अपना राज्य, तुम्हारा राज्य, मेरे राज्य, ये नहीं करना चाहता, मगर महाराष्ट्र जहां 60-70% केसेस आए पहले, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा वेव वहीं से शुरू हुआ, सर्वाधिक मृत्यु आज हिंदुस्तान में कहीं हुई है तो वो महाराष्ट्र में हुई है। उसको तो सोनिया जी कह रही है कि एमवीए सरकार ने बड़ा अच्छा मैनेज किया महाराष्ट्र में, महाराज मॉडल तो बड़ा सक्सेसफुल है, वो आपके लिए सक्सेसफुल है। बाकी उत्तर प्रदेश में 6 महीने बाद चुनाव है तो उत्तर प्रदेश के बारे में सब कुछ कहो, उत्तर प्रदेश के बारे में कमेंट करो, क्योंकि आप चुनाव को देख करके यहां पर इमोशनल होना चाहते हैं। आप महाराष्ट्र में, आप छत्तीसगढ़ में, आप राजस्थान में, राजस्थान में एक एम्बुलेंस के अंदर 40 शवों को ठूस करके भर करके ले आ जा रहा, छत्तीसगढ़ में किस प्रकार से कचरे के गाड़ी में शवों को 2900 रुपए में डाल डाल के लिया जा रहा है, ये सब आपको इमोशनल नहीं करता है। आपको खाली इमोशनल जो है वो उत्तर प्रदेश की ही लाशें करती है। ये लाशों के बीच में डिफ्रेंसिएशन करना, पंजाब में मैंने परसों देखा, एक पिता अपने बेटे के लाश को उठाकर लेके जा रहा था क्योंकि पंजाब सरकार किसान आंदोलन में व्यस्त है, उनके पास एम्बुलेंस देने के लिए समय नहीं है। उसके लिए आपको इमोशनल नहीं लगता है, रोना आपको केवल उत्तर प्रदेश में आता है। आप सबके लिए रोइए, सबके लिए आंसू बहाइए। देखिए पात्रा जी की कितनी चालाकी, देखिए कह रहे, मैं बोलना नहीं चाहता हूं, लेकिन महाराष्ट्र और आपने राजस्थान की बात की, उत्तर प्रदेश में कहो ना, जहाँ पे बेटी अपनी माँ को बचाने के लिए मुंह से मुंह लगा के ऑक्सीजन देने की कोशिश करती है, जहाँ पत्नी पत्नी बचाने के लिए मुंह से ऑक्सीजन देती है, ये शर्म की बात नहीं है? ये शर्म की बात नहीं कि हमारे अपनों को यहाँ पे जानवर नोच रहे हैं, तब आप कहते हो नहीं नहीं ऐसी कोई घटना हो नहीं रही है? ये शर्म की बात नहीं है कि यहाँ शिक्षा मित्र कितने मारे गए और आप कहते हो 30 शिक्षा मित्र मारे गए? ये शर्म की बात नहीं है? इलेक्शन के लिए ही इतना कुछ कर रहे हैं? आप लाशों के बीच में राजनीति कर रहे हैं, आप सभी राज्यों के विषय में चिंता करते हैं? नहीं नहीं, आप महाराष्ट्र चले जाओगे, राजस्थान चले जाओगे, उत्तर प्रदेश नहीं आओगे, मध्य प्रदेश नहीं आओगे, राजस्थान नहीं जाना चाहिए, छत्तीसगढ़ नहीं जाना चाहिए, मध्य प्रदेश नहीं जाना चाहिए, महाराष्ट्र नहीं जाना चाहिए? बीजेपी की सरकार है वहाँ मौतें हो रही, कोई बात नहीं, क्या वो हिंदुस्तानी नहीं है जहाँ बीजेपी की सरकार लोगों की मौतें हो रही है, उनको आप अपनी मौत में नहीं शामिल करना चाहते? कमाल की बात करें, महाराष्ट्र की बात करेंगे, राजस्थान की बात करेंगे, देश में केंद्र सरकार जितनी महाराष्ट्र की है उतनी उत्तर प्रदेश की भी है, राजस्थान की है उतनी गुजरात की भी है, लेकिन आप बिहार की हालत भी बड़ी जर्जर है, राजस्थान की बात करेंगे, हालत तो बिहार की भी बड़ी जर्जर है। हाँ, बिहार भी वही हालत, गाँव और छोटे शहरों में देखिए, गाँव गाँव में लोगों की मौतें हो रही है, अस्पताल के नाम पर जवाब दो, से यहाँ पे डिवाइड कर जाते हैं, ठीक है। अंजना जी, आपने बिहार का जिक्र किया, बिहार का रिकवरी रेट देख लीजिए, 90% से बहुत ज्यादा रिकवरी रेट हो चुका है,
सही वक्त पे सही डिसीजन हम लोगों ने लेने का काम किया है। एनडीए की सरकार है, हम लोग शिकवा शिकायत नहीं करते हैं कि प्रधानमंत्री जी की तरफ से हम लोग को सपोर्ट नहीं मिला, टीका नहीं मिला। हम लोग काम पे विश्वास करते हैं, पूरा सरकार जो है पूरा बिहार वासियों की सेवा में लगा हुआ है। जो लोग दिल्ली में भी है, हम लोगों के लोग दिल्ली में भी दिल्ली में सेवा कर रहे हैं, जो जहां है जिस रूप में है। पूरा भारतवर्ष आज जैसे युद्ध कोरोना से लड़ रहा है और इस युद्ध में राजनीति करने की जरूरत नहीं है। यहां एक ऐसा आपदा है जिस आपदा में हम राजनीति कीजिए, आपके पास काफी लंबा वक्त है, राजनीति करने का टाइम मिलेगा आपको, चुनाव भी लड़ने का टाइम मिलेगा। लेकिन समझिए कि राजनीति आप की मदद नहीं, आप हम सब लोगों को समझने की जरूरत है, हम सब लोगों को समझने की जरूरत है, हम सब लोगों की जरूरत है, हम सब लोगों को समझने की जरूरत है। भदौरिया जी, मैं तो कह रहा हूं हम सब लोगों को सीखने की जरूरत, अभी राजनीति करने का वक्त नहीं है। प्रधानमंत्री को डिफेंड करने की जरूरत नहीं है। टीका अंतरराष्ट्रीय स्तर पे क्यों गया भाई, आपके कंट्री को भी तो लोग सहयोग करते हैं। जब आपके यहाँ आपदा आता है तो यही नेबरिंग कंट्री भी आपको हेल्प करती है। हर विषय पे, हर मुद्दे पे प्रधानमंत्री जी को जो डिफेंड करने की कोशिश करते हैं, देश को कटघरे में खड़ा करते हैं, यह कतई उचित नहीं है, यह कतई उचित नहीं है। आप राष्ट्र को, राष्ट्र की बात मैं कर रहा हूँ। रोहन जी ने कहा कि हम, अरे रोहन जी से मैं पूछना चाहता हूँ कि आप भारत के साथ खड़े हैं, ये भारत के साथ खड़े हैं कि नहीं खड़े हैं? भारत कोरोना का जंग हम लोगों के साथ दीजिए, कोरोना का जंग जीतनी है और जीतेंगे हम लोग, हम लोग जीत के रहेंगे। आपका नाम तो अनुराग था ना, माधव कब से हो गया सर? प्लीज, नहीं नहीं बोल, नहीं उन्होंने मेरा नाम लेके बोला है, इसलिए कोई बात नहीं, सब एक दूसरे का नाम ले रहे हैं। मैंने ये बोला कि कोरोना के जंग को जीतनी है। अनुराग जी, मेरा प्लीज, फिर आप बोल रहे हो, कोरोना के जंग को हम लोग को जीतना है। इस जीत में आप लोग सहयोग कीजिए, देश को बदनाम मत कीजिए, प्रधानमंत्री जी को बदनाम मत कीजिए। लेकिन इसी के साथ डॉक्टर संबित पात्रा, विपक्ष देश को बदनाम कर रहा है, छवि खराब की जा रही थी। रोहन जी से दो लाइन, रोहन जी अब बहुत कम, सिर्फ 30 सेकंड बचा है, दो लाइन में अपनी बात पूरी कीजिए, फिर कंक्लूडिंग जवाब मैं डॉक्टर पात्रा से लेना चाहती हूँ, जल्दी से। देखिए सिर्फ दो लाइन अंजना जी, मुद्दा यहाँ पे क्या है, उन्होंने कहा कि हम लोग कहीं पे भी इसमें राजनीति की बात नहीं। जब नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट पहले जब वेव में डिक्लेयर हुआ, सारे डिसीजन केंद्र सरकार ने लिए। हमने तो प्रधानमंत्री को नहीं बोला कि 136 कंट्री में जाके बोले कि हम जीत गए, उनके स्वास्थ्य मंत्री को ये नहीं बोला कि कोरोना पे विजय प्राप्त कर ली। मुद्दा यहाँ पे ये, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये सरकार एंटीसिपेट करने में, और अब जब लगा कि उनके हाथ में नहीं है तब राज्यों में डाल देंगे, तो फिर केंद्र सरकार है किसके लिए? अगर सारे डिसीजन आपके हाथ में है, ऑक्सीजन का डिसीजन आपके हाथ में है, वैक्सीन का डिसीजन आपके हाथ में है, तो आप कैसे स्टेट्स को बोल सकते हैं? अंजना जी, इनका विरोधाभास देखिए। अंजना जी ये कह रहे थे सारा राज्यों के हाथ में डाल देंगे, तो फिर आप किस लिए है? जब सब कुछ हम अपने हाथ में रखते हैं तो बोलते सब अपना अपने हाथ में रखेंगे, तो राज्य किस लिए है? राज्यों के हाथ में दे दो। याद रखिए आप पिछली बार लॉकडाउन हुआ था तो यही लोग कह रहे थे सब राज्यों को दे दो, आपने क्यों अपने हाथ में रखा हुआ है? यही है, ये मोमबत्ती तो दोनों तरफ से आग लगाते हैं, यहाँ से भी आग लगाएंगे मोमबत्ती के, यहाँ से भी आग लगाएंगे, दोनों तरफ से जलाएंगे। मतलब आप करोगे तो मरोगे, नहीं करोगे तो मरोगे, यही नीति है। और ट्विटर पे सरकार चलाना और वास्तविक रूप में सरकार चलाना, इन दोनों में फर्क है। ये जो कांग्रेस के जो प्रिंस है ना, जिसको आज सलमान खुर्शीद किंग कह रहे थे, ये जो राहुल गांधी है क्लाउन प्रिंस, ये ट्विटर में, ये वहाँ पर सोफा में लेटे रहे ट्विटर पर, मोदी जी वेंटिलेटर कहाँ है, मोदी को कोविड बोलो, मोदी जी आपने ऐसा क्यों किया, लॉकडाउन लगा दो, लॉकडाउन हटा दो, ये सोफा में बैठ के ट्विटर चलाना बहुत आसान है राहुल गांधी। धरती पे उतर के काम करना राहुल जी, काम करना सीखो राहुल जी, काम करना सीखो। और मैनिपुलेशन, सबसे बड़ा मैनिपुलेटिव फैमिली जो है वो गांधी फैमिली है, ये सबसे बड़ी मैनिपुलेटिव फैमिली है। आप जिस प्रकार से बेशर्म और मैनिपुलेटिव फैमिली सबसे बड़ी कोई है तो वो बेशर्मी से आप जो कर रहे हो, आउट ऑन बेल मैनिपुलेटिव फैमिली पूरे भारतवर्ष में मैनिपुलेट करते रहती है, ये सबसे बड़ी मैनिपुलेटिव फैमिली है। कांग्रेस की गांधी फैमिली ही मैनिपुलेटिव फैमिली है। यहीं पर अंत करना पड़ेगा, आप सभी का बहुत धन्यवाद। मोमबत्ती विपक्षी पार्टियां दोनों तरफ से जला रही है, भ्रम और भय फैला रही है, या फिर उन जिंदगियों की चिंता करने की जरूरत है जहां पर वाकई आज ऐसी परिस्थितियां बनी है कि कई घरों के दिए बुझ रहे हैं। ये सोचना है आज, अगर जवाबदेही और जिम्मेदारी सरकारों की बनती है तो।